इस वक्त आपको बता दें कि एक अहम खबर से आपको रोशना कर दें कि जिस तरह से खबर चल रही है कि कल हड़ताल होगी, इस हवाले से 8 जुलाई की जो बात की जाती है, जिस दिन एक टॉप मिलिटेंट को मार गिराया गया था, लेकिन आपको बता दें कि जो खबरें अफवाह गर्दिश कर रही है कि कल हड़ताल है, इस हवाले से आपको बता दें कि कल कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी। किसी भी आउटफिट या किसी भी इलाज की पसंद ने इस तरह की कोई कॉल नहीं दी है, यानी आपको ऐसे खबरों पर कान नहीं धरना होगा। कल किसी भी ग्रुप ने कोई भी कॉल नहीं दी है, और इससे पहले जो एक पोस्टर शाया किया गया था उसके बारे में पहले ही हमने कल आपको बताया कि वो मुकम्मल तौर पर फेक था, वो र्यूमर था। अपने नाजरीन को फिर एक बार बता दें कि जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के बाद जो की जा रही है उस पर कहा गया कि अगर किसी ने भी कोई गलत खबर फैलाई तो उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। कल कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, अपने नाजरीन को बता दें कि कल कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, और आफाबाजों के खिलाफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस वो है कार्रवाई भी कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, और सोशल मीडिया जो फेसबुक पेज है या जो भी सोशल मीडिया है ट्विटर, उन पर भी लोगों को कहा गया कि कोई भी गलत खबर न फैलाए। अपने नाजरिक को बता दें कि कल के हवाले से 8 जुलाई के हवाले से कोई भी स्ट्राइक नहीं होगी, किसी तरह की भी कोई हड़ताल नहीं होगी। लोगों से कहा गया कि वो मामूलाती ज़िंदगी को अपनी तरह से चलाए, और कल के हवाले से फिर एक बार हड़ताल नहीं होगी।